बोल। आपकी डाटा स्ट्रक्चर की बुक है मेरे पास? डाटा स्ट्रक्चर। हाँ, वो फर्स्ट ईयर की हाँ, देखो। फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर की। हाँ, तो वो सबमिट कर दो कॉलेज में, क्योंकि ओके मैम। तेरा नाम मैंने लिख के रखी हूँ रजिस्टर पे। हाँ, मैम चलेगा। हाँ, और भी किसी ने लिया था, आपके क्लास में दो बुक्स थे मेरे, तो मेरे नाम के आगे लिख के रखी हूँ रजिस्टर के, जहाँ पे हम लोग लिखते हैं ना बुक का नाम, उधर तो जाके सबमिट हाँ करो, फिर वो हटा देंगे नाम उधर से। ठीक है मैम। ओके, और जो मैंने हाँ इंस्टॉलेशन बोला था वो किए क्या? इंस्टॉलेशन ना क्यों, क्या प्रॉब्लम आया उसमें? मैम, मैं ना अभी यहाँ पे गांव में ना हूँ। गांव में ना मेरा पीसी, और मैं मेरे नानी का ऑपरेशन है ना, तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं मुंबई में। अच्छा, ठीक है, चलेगा। तो मेरा भी इंस्टॉलेशन चल रहा है अभी तक, कल से। नेटवर्क बहुत स्लो अच्छा है, तो वाईफाई पे ही होगा अच्छे से। तो अभी मैं आपको लिंक सेंड करूंगी, जिसके हाँ ऊपर प्रॉपर ऐसे प्रैक्टिकल, हमें सिर्फ अभी सॉफ्टवेयर देखना है, दैट्स इट। बाकी तो प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले, तो अभी आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर देखना है, तो उसकी लिंक मैं आपको सेपरेटली सेंड कर दूँ, तो वीडियो आप लोग देखिए। ठीक है, हाँ अभी मैं आपको हाँ प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करूंगी, फिर हम लोगों ने जो लेक्चर में देखे थे वही प्रैक्टिकल्स के एग्जाम है, एग्जाम्पल है। तो वो सबसे पहले है, राइट अ प्रोग्राम फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट और लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल एंड फॉर लॉजिकल ऑपरेटर। तो लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं? लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, ये हमने पॉइंट पढ़ा है। लोकल वेरिएबल्स यानी क्या, कि जो पैरेंथेसिस के अंदर या फिर एक स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर हम लोग जिसको यूज करते हैं उसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। ग्लोबल वेरिएबल यानी डिक्लेरेशन के बाद जो वेरिएबल आप लोग डिक्लेयर करोगे और जो आप लोग पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी उसको एक्सेस दे सकते हो या फिर उसका एक्सेस ले सकते हो, उसको ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। इन शॉर्ट, ग्लोबल यानी क्या, कि वो वेरिएबल जो आप लोग प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकते हो। लोकल वेरिएबल यानी मेन मेथड के बाद वो जो वेरिएबल्स रहेंगे वो सिर्फ लिमिटेड ब्लॉक के अंदर ही यूज होंगे, आप लोग उसको बाहर के ब्लॉक में नहीं ला सकते। तो प्रोग्राम देखते हैं, PLSQL के प्रोग्राम में सबसे पहले आपको डिक्लेरेशन से ही स्टार्ट करना है, ये अभी तक आपको समझ में आया होगा। तो आपको करना है डिक्लेयर, डिक्लेरेशन के अंदर आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। यहाँ पे हम लोग जहाँ पे भी हम लोग लोकल या फिर ग्लोबल वेरिएबल करते हैं या फिर उसका प्रोग्राम करते हैं, तो मोस्टली हम लोग सिर्फ प्रिंट करते हैं वो चीज़ों को, उसके अंदर कोई भी फॉर्मूलाज वगैरह परफॉर्म नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल है, num1 नंबर और उसकी वैल्यू है 45। तो और ये जो आपको नंबर दिख रहा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये लाइन नंबर है, मतलब कि वो डायरेक्टली आपके सॉफ्टवेयर पे भी आते हैं, जैसे नोटपैड में जैसे लिखा रहता है एक साइड पे 1, 2, 3, 4 लाइन नंबर, वैसे वो लाइन नंबर है। तो ये प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ लाइन नंबर लिखे हुए है, आपने नहीं लिखे तो भी चलेंगे। तो आपको डायरेक्टली लिखना है डिक्लेयर, डिक्लेयर आपका कैपिटल में होगा, देन num1 नंबर, नंबर आपका डेटा टाइप है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, जहाँ पे हम लोग इक्वल का साइन देते हैं वहाँ पे हम लोग PLSQL में असाइनमेंट ऑपरेटर देते हैं, देन 45 वेरिएबल की वैल्यू और उसके बाद सेमी कॉलन। ठीक है, तो मेरे पास दो वेरिएबल है, num1 एंड num2, दोनों की वैल्यू है 45 एंड 23। तो ये हो गया मेरा डिक्लेरेशन पार्ट। तो जहाँ से आप लोग डिक्लेयर करना स्टार्ट करते हो आपका मेन प्रोग्राम, वहाँ पे जो वेरिएबल्स आप लोग डिक्लेयर करोगे वो आपके ग्लोबल वेरिएबल्स रहते हैं। उसके बाद बिगिन, जहाँ से आपका मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा रन करने के लिए या फिर कंपाइल करने के लिए। तो हम लोग सिर्फ अभी प्रिंट करने वाले हैं, इसके लिए मैं डायरेक्टली प्रिंटिंग का स्टेटमेंट लिखूंगी, विच इज DBMS_output.put_line, और उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी मैसेज लिखना है वो आप लोग लिख सकते हैं। सिंगल इन्वर्टेड में आपको मैसेज लिखना है आउटर वेरिएबल num1, और जहाँ पे हम लोग सी में स्लैश यूज करते थे और उसके बाद जो वैल्यू में या फिर जो वेरिएबल के अंदर हमारी वैल्यू स्टोर होने वाली है उसका नाम लिखते थे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पैरेलल का साइन देना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है
ये पैरेलल का साइन आपको देना है। हम लोग सी में जब ऐसे लिखते थे तो हम लोग स्लैश देने के इस तरीके से, और फिर उसके आगे ए बी जो भी हमारा वेरिएबल रहता था हम लोग वो लिखते थे। यहाँ पे आपको पैरेलल का साइन देना है और आगे लिखना है वेरिएबल जिसके अंदर वो वैल्यू आपको स्टोर करनी है, और उसके बाद सेमी कॉलन, उसके बाद देना है सेमी कॉलन। देन डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन आउटर वेरिएबल नम टू, फिर से पैरेलल साइन और नम टू जिसके अंदर वेरिएबल स्टोर होगा। तो नम वन के अंदर 45 स्टोर होगा और नम टू के अंदर 23 स्टोर होगा। उसके बाद यहाँ तक जो है आपका ग्लोबल वेरिएबल का पार्ट हो गया। देन मैंने डिक्लेयर के अंदर फिर से एक डिक्लेयर मेथड चालू की है, तो ये मेरा रहता है लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो ये डिक्लेयर के अंदर मैंने और दो वेरिएबल्स लिए, क्योंकि ये डिक्लेयर अलग से लिया है तो मैं इसके अंदर सेम वेरिएबल के नेम यूज कर सकती हूँ। तो नेम नेम वन और नम टू, अगर आपको वेरिएबल के नेम चेंज करने हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो नम वन नम टू, फिर उसकी वैल्यू 456 एंड 185 और सेमी कॉल। उसके बाद अगेन बिगिन, और फिर दोनों का प्रिंट करना है इनर वेरिएबल नम वन नम टू सेम एज इट इज, और दो बार मुझे एंड करना है बिकॉज मैंने दो मेथड्स को जो है ऑन किया था। ठीक है, और अगर आपको इसके अंदर बहुत सारे डिक्लेयर यूज करने हैं और जो आपका नंबर और नम टू है ये दोनों अगर आपको कहीं पे भी यूज करने हैं, ये दोनों की वैल्यूज जो आपने फर्स्ट डिक्लेयर सेक्शन में लिखा है तो वो ग्लोबल रहते हैं, और डिक्लेयर के अंदर जो आप लोग डिक्लेयर लिखोगे उसके जो वेरिएबल्स रहते हैं वो सारे लोकल वेरिएबल्स रहते हैं। तो आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, आउटर वेरिएबल एंड इनर वेरिएबल। सिंपल, हम लोग सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं, उसके अंदर कोई भी हमने फॉर्मूला नहीं दिखाया है, बहुत सिंपल प्रोग्राम है। देन जहाँ पे भी आप लोगों का प्रोग्राम एंड हो जाता है, एंड होने के बाद आपको नीचे स्लैश देना है और उसके बाद आपको लिखना है सेट सर्वर आउटपुट ऑन सेमी कॉलन। ये इसके लिए बिकॉज आप जब भी ओरेकल को ऑन करते हो, आप जब भी उसको लॉग इन करते हो तो उसका जो सर्वर रहता है वो ऑफ रहता है। प्रोग्रामिंग टाइप करने के लिए आप लोग एडिटर में प्रोग्राम को टाइप करते हैं और उसको रन करने के लिए सर्वर का ऑन होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले जब आप लोग फर्स्ट टाइम प्रोग्राम टाइप करने के बाद उसको रन करोगे तो सबसे पहले लिखना है सेट सर्वर आउटपुट ऑन सेमी कॉलन और स्लैश, उसके बाद ही जो है आपका आउटपुट मिलेगा। और सेट सर्वर आउटपुट ऑन ये आपको सिर्फ एक ही बार लिखना है जब भी आप लोग सॉफ्टवेयर को ऑन करोगे, और एक बार आपने उसको लॉग आउट कर दिया और फिर से अगर उसको लॉग इन किए तो आपको फिर से एक बार उसको ऑन करना पड़ेगा। क्लियर है फर्स्ट प्रोग्राम, समझ में आया? ओके, देन फर्स्ट में नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा, यानी कि बी पार्ट, प्रोग्राम फॉर लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये तो सबको पता होगा बिकॉज ये हमने बहुत बार देखा है लॉजिकल ऑपरेटर का प्रोग्राम। लॉजिकल ऑपरेटर्स यानी ऑपरेटर्स ऑपरेंट रहेंगे, ऑपरेटर रहेगा और उसके उसके जो वैल्यूज रहेंगे वो आपको चेक करनी है। तो डिक्लेयर सबसे पहले आपको सिंपल सा डिक्लेयर करना है, दो वेरिएबल्स लेने हैं ऑफकोर्स बिकॉज ऑपरेटर में हम लोग हमेशा कंपैरिजन करते हैं दो वैल्यूज का, तो हमारे पास दो वेरिएबल्स रहेंगे। तो अभी हमारे पास है दो वेरिएबल एक्स एंड वाई, जिसमें से एक्स की वैल्यू ट्रू है एंड वाई की वैल्यू फॉल्स है। ठीक है, तो अभी आपको इसके लिए ये जरूरी जरूर पता होना चाहिए कि एंड ऑपरेशन जो है पीएल स्क्वायर का वो क्या परफॉर्म करता है, और क्या परफॉर्म करता है, नॉट एक्स क्या परफॉर्म करता है, देन नॉट वाई क्या परफॉर्म करता है। ठीक है, तो एंड में क्या रहता है, दोनों में से अगर एक की भी कंडीशन या फिर दोनों में से एक की भी वैल्यू अगर ट्रू है तो आपका जो आउटपुट है वो ट्रू आता है। ठीक है, और में क्या होता है, दोनों में से अगर सॉरी एंड में अगर दोनों वैल्यूज जो है वो ट्रू रहेंगे तो ही आपका आउटपुट ट्रू आता है। और में क्या रहता है कि एक्स एंड वाई में से अगर किसी एक की वैल्यू ट्रू है तो आपकी कंडीशन ट्रू होती है, नॉट एक्स। यानी अगर आपका एक्स ट्रू है
और आप उसको नॉट एक्स बोल रहे हो, यानी उसका अपोजिट अगर रहेगा तो उसकी वैल्यू ट्रू रहती है, अदरवाइज फॉल्स रहती है. सेम फॉर द वाई. ठीक है, तो हमें अभी हम लोग देखेंगे कि इसकी वैल्यूज क्या है. तो सबसे पहले है इफ एक्स एंड वाई देन कंडीशन इज ट्रू. तो अभी हमारे पास एक्स की वैल्यू ट्रू है एंड वाई की वैल्यू फॉल्स है. एंड कंडीशन या फिर एंड ऑपरेटर हमें बोलता है कि अगर दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू ट्रू है तो ही हमारी कंडीशन ट्रू होती है. तो इफ एक्स एंड वाई देन dbms underscore output dot put underscore line कंडीशन इज ट्रू. तो यहाँ पे आपकी कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, आपकी x जो है ट्रू है एंड y जो है आपका फॉल्स है. क्या आएगा आउटपुट? ये जो आपका इफ का फर्स्ट स्टेटमेंट है ये रन होगा कि नहीं होगा? फर्स्ट रन होगा कि नहीं होगा? सबने प्रोग्राम लिखा है ना, तो प्रोग्राम ओपन करो. फर्स्ट देखो, फर्स्ट x की वैल्यू ट्रू है एंड y की वैल्यू फॉल्स है. और एंड ऑपरेटर हमें बोलता है कि अगर दोनों वेरिएबल की वैल्यू ट्रू रहेगी तो ही आपका कंडीशन ट्रू होता है. तो ये आपके आउटपुट में आएगा कि नहीं आएगा? राइट, नहीं आएगा, बिकॉज हमारे पास दो वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल के वैल्यूज डिफरेंट है. देन तो अभी हमारा जो कंपाइलर है बिगिन से, हमारे कंपाइलर ने बिगिन से स्टार्ट किया, इफ में गया, इफ की कंडीशन जो है हमारी नॉट ट्रू आई या फिर रन नहीं हो गई, रन नहीं हुआ. इसके लिए यहाँ पे जो हमारा ये ब्लॉक है इफ का, ये एंड होता है, तो हम लोग लिखेंगे एंड इफ, यानी हमारा एंड ऑपरेटर रन नहीं हुआ. फिर हमारा कंपाइलर जाएगा सेकेंड इफ के ऊपर. सेकेंड इफ में कंडीशन है एक्स और वाई. ओके, तो एक्स एंड एक्स और वाई में हमें ये बोलता है कि अगर दोनों में से, यानी दोनों वेरिएबल में से कोई एक अगर ट्रू है तो आपका आउटपुट ट्रू आएगा. तो अभी एक्स की वैल्यू हमारी ट्रू है एंड वाई की वैल्यू हमारी फॉल्स है, तो इसका आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा? और कंडीशन के लिए करेक्ट, इसका आउटपुट आएगा, बिकॉज हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई. एक्स की वैल्यू ट्रू है, दोनों में से अगर एक की वैल्यू ट्रू रहेगी तो हमारा आउटपुट आएगा. तो आपका आउटपुट क्या प्रिंट होगा? dbms underscore output dot put line line number 2 condition is true. तो इसमें से आउटपुट क्या आएगा? कंडीशन इज ट्रू. आप लोग आउटपुट में देख सकते हैं, ये देखो लाइन नंबर 2 कंडीशन इज ट्रू. तो हमारा जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है PL SQL का, विच इज dbms underscore dot underscore put line, जो हम लोग सी में यूज करते थे प्रिंट एफ, उसकी जगह पे आप लोग यहाँ पे यूज करते हो dbms underscore output dot put underscore line line number 2 condition is true. ठीक है, now next is if not x then. तो अभी x की वैल्यू क्या है? ट्रू है. ठीक है, और हमने प्रिंटिंग स्टेटमेंट में लिखा है dbms underscore output dot put underscore line x is not true, और हमारी कंडीशन है if not x. ओके, not x यानी क्या? कि जो आपका कंडीशन है ट्रू, या फिर जो आपकी वैल्यू है ट्रू, वो क्या है? ट्रू नहीं है. तो इसका आउटपुट क्या आएगा? dbms underscore output dot put underscore line x is not true else dbms output dot put line x is true. यहाँ पे if में हम लोगों के पास दो कंडीशन है, else की भी है और if की भी है. if में लिखा है not x, अगर वो true है तो if का पार्ट रन हो जाएगा, और अगर वो true नहीं है तो else वाला पार्ट रन हो जाएगा. तो अभी हमारे पास x की वैल्यू true है, हमने इफ में लिखा है नॉट एक्स, इसका मतलब हमारी जो इफ की कंडीशन है ये फॉल्स होती है, बिकॉज हमारे पास ट्रू वैल्यू है एक्स की. तो इफ का जो एल्स पार्ट है वो रन हो जाएगा, तो हमारा आउटपुट आएगा एक्स इज ट्रू. क्लियर है?
कंफ्यूज नहीं होना है, इफ की कंडीशन है नॉट एक्स, नॉट एक्स यानी क्या कि फॉल्स, एक्स की वैल्यू फॉल्स है, बट एक्चुअल में हमारे वेरिएबल की वैल्यू ट्रू है, इसके लिए ये इफ का जो एल्स पार्ट है वो रन हो जाएगा, एक्स इज ट्रू। समझ में आया? या करेक्ट, ट्रू आएगा। देन नेक्स्ट, यानी सिंपल से याद रखना है कि अगर आपकी इफ की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो उसका जो एल्स पार्ट है वो ऑटोमेटिकली रन होता है। देन उसके बाद इफ नॉट वाई, ओके, इफ नॉट वाई, नॉट वाई यानी क्या, नॉट वाई एक्स ट्रू नहीं है, तो अभी आप लोग वेरिएबल में देखो वाई की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, इसका मतलब आपका जो इफ वाला पार्ट है वो ट्रू है, वाई इज नॉट ट्रू, वाई इज नॉट ट्रू इसका मतलब क्या, वाई इज इक्वल्स टू फॉल्स। यहाँ पे इफ की वैल्यू है नॉट वाई, डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, वाई इज नॉट ट्रू, एल्स डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट वाई इज ट्रू, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, इफ वाला पार्ट रन होगा कि एल्स वाला पार्ट रन होगा। Not true, correct. आपका second वाला part run नहीं होगा because y की value हमारी false है, y is not true, ये वाला आपका output आएगा, तो output कुछ इस तरीके से आपको आएगा, y is not true, clear है, समझ में आया? रोहन, मयूर, और ये कौन है दूसरा, मोहम्मद, क्लियर है? ओके, फर्स्ट प्रैक्टिकल लिखे हुआ सबका, ओके जिशान, ठीक है, फर्स्ट प्रैक्टिकल लिख के हुआ, क्लियर हुआ अभी फर्स्ट प्रैक्टिकल में, किसी को डाउट? एनी डाउट ऑन फर्स्ट प्रैक्टिकल? तो फर्स्ट प्रैक्टिकल के ऊपर अभी वाइवा में अगर क्वेश्चंस आए तो सब लोग उसका आंसर दे सकते हो, राइट? अच्छा, सर्वर आउटपुट आपको लिखना है, ये देखो यहाँ पे, अगर सपोज आपने ये वाला कोड टाइप किया आपके फर्स्ट प्रोग्राम का, मतलब यही नहीं, कोई भी कोड जब भी आप लोग ऑन करोगे आपका ये कोड टाइप हो गया है, उसके बाद एंड सेमी कॉलन आप लोग करते हो, उसके बाद स्लैश देते हो, स्लैश देने के बाद एंटर करना है, और एंटर करने के बाद आपका आउटपुट दिखेगा नहीं, ब्लैंक दिखेगा, तब आपको लिखना है सेट सर्वर आउटपुट ऑन सेमी कॉलन, और फिर स्लैश देना है, और उसके बाद फिर आपका इस तरीके से आउटपुट आएगा, PLSQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ओके, यानी आपका जब कोड का कोड पूरी तरह से लिख के होने के बाद आप लोग फाइनल जहाँ पे स्लैश देते हो उसके बाद आपको लिखना है सेट सर्वर आउटपुट ऑन, और ये सिर्फ एक ही बार लिखना है जब तक आपका सॉफ्टवेयर ऑन है, बार बार नहीं लिखना है, फर्स्ट जब टाइपिंग करोगे, प्रोग्राम टाइप करोगे उस टाइम पे ही करना है। और अगर सपोज आप लोग भूल भी गए और आप लोग एंटर करोगे तब भी आपको वहां पे एरर मैसेज आता है कि प्लीज टर्न ऑन योर सर्वर, तब भी आपको क्लिक हो जाएगा कि आपको सर्वर को ऑन करना है। ओके, फर्स्ट प्रैक्टिकल के ऊपर अभी क्वेश्चन पूछे तो सबको आएंगे आंसर, राइट? सबको क्लियर हुआ? सेकेंड प्रैक्टिकल हो गया सबका लिख के, प्रैक्टिकल नंबर सेकेंड, यस मैम, ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकेंड प्रैक्टिकल देखेंगे, और एमसीक्यू बनाने के लिए सब एक दूसरे की हेल्प करो और एमसीक्यू रेडी करो, हाँ 19 तक देने हैं।
अपने सब्जेक्ट के तो रेडी है, डीबीएमएस का भी रेडी है, कोलचावा का भी रेडी है, बाकी जो बचे हैं वो सब्जेक्ट के लिए हेल्प करो गर्ल्स की।